बेगूसरायगढ़ हरा सहायक थाना के तहत कील गांव में ललन शाह के नवम्बर की छात्रा सपना की दिनांक 16 अप्रैल 2021 को हुई बलात्कार उपरांत नृशंस हत्या के विरुद्ध कानून सेवा दल बरौनी बेगूसराय ने निकाला प्रतिरोध मार्च। ये कील गांव से होते हुए गढ़हरा बाजार गढ़हरा कॉलोनी के बाद गढ़हरा थाना तक किया गया। अंत में गढ़हरा सहायक थाना का कानून सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रोषपूर्ण घेराव भी किया गया। इस प्रतिरोध मार्च थाना घेराव का नेतृत्व कानून सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगाचार्य डॉक्टर गुड़ाकेश कुमार ने करते हुए कहा, बेगूसराय जिले में पिछले 6 माह के अंदर 3-3 कानून समाज की बेटियों के साथ दरिंदों द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, जिससे घटना जो कील गांव में 16 अप्रैल 2021 को शाम 7:30 बजे मटकोर के समय डीजे की आवाज का फायदा उठाकर पीछे से खींच लिया। दल की ओर से जांच उपरांत पाया कि बच्ची को उठाकर किसी एकांत घर में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म कर मार दिया, रेलवे लाइन गढ़हरा यार्ड के पास फेंक दिया था। योगाचार्य गुड़ाकेश ने गढ़हरा थाने में पहुंचे सदर डीएसपी राजन सिन्हा से वार्ता करते हुए कहा, मटिहानी थाना कांड संख्या 151/2020 6 माह पूर्व यही बलात्कार की घटना में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। मार्च 2021 में बलिया थाना कांड संख्या 74/2021 में पुलिस कुछ नहीं कर पाई। प्रतिरोध मार्च में आंदोलनकारियों द्वारा हत्यारों के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए थाने के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। कानून सेवा दल के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने मास्क का प्रयोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सपना बेटी हम शर्मिंदा है तेरे कातिल अब तक जिंदा है जैसे मार्मिक नारे लगाए। जघन्य कृत्यों के लिए हत्यारों को गिरफ्तारी उपरांत पुलिस प्रशासन ने स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने की मांग की गई। घटना होने के बाद आपका क्या मांग है? ये इस तरह की दरिंदगी बेगूसराय जिला में इधर के दर देखी जाती है, जो कानून समाज की एक मजदूर की बेटी के साथ मटकोर कार्यक्रम में किया गया, या तो डीजे बाजा के लाभ उठा करके किया या फिर जैसे भी किया लेकिन किया। और इस घटना के बाद ये इसी समाज कानून समाज के साथ पिछले छः माह में बलिया थाना मठियानी थाना और गढ़हरा थाना के अंतर्गत ये तीसरा घटना है, और ये तीनों घटना मजदूर की बेटी के साथ ही हुआ है। और कानून सेवा दल और पूरे गढ़हरा समाज कील गांव के ओर से पुलिस प्रशासन से मांग है कि 48 घंटे के अंदर में इस दरिंदे को, चाहे उसमें जितने भी शामिल हो, गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बाध होकर के इस कोरोना काल में भी हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चरणबद्ध आंदोलन होगा, आज शाम में भी कैंडल मार्च कार्यक्रम होगा, कल फिर बेगूसराय में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन करेंगे और वहां पूरे जिले भर के हमारे संगठन के लोग मौजूद रहेंगे जब तक कि इस दरिंदा को गिरफ्तारी ना हो जाती है। हम अपनी सपना बेटी के लिए शर्मिंदा है, घर में नहीं बैठेंगे जब तक सपना बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।